दोस्तों कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब पर हमने एक पोस्ट डाले थे, जिस पोस्ट में हमने बताया था कि क्या आप लोगों को मार्केट में जो नया नया दवा आ रहा है, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह जो आ रहा है, क्या उसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो 90% लोगों ने यस बोले हैं और 10% लोगों ने नो बोले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम मार्केट में जल्दी से जल्दी जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करें। इसीलिए आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं जिस प्रोडक्ट को लॉन्च तो इंडिया में कर दिया है लेकिन मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है या फिर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो उससे पहले आप लोगों को जानकारी शेयर कर देते हैं, लगभग 10-15 दिन के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी का सिमोडियस इंसेक्टिसाइड के बारे में। सिमोडियस इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि लगभग 2-3 कंट्रियों में तो लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रियों में लॉन्च कर दिया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी कंपनी के पास इस कंपोजिशन का दवा अभी तक नहीं है। जी हाँ, तो सिमोडियस के बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि ये जो इंसेक्टिसाइड है ये क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है, इसका फसल में काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है, या फिर इसको हम लोग कब कैसे कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं, इसका डोज कितना है, प्राइस कितना होगा, पूरे डिटेल्स में आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमोडियस क्या है। सिमोडियस एक सिंजेंटा कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा इंसेक्टिसाइड है कि किसी भी कंपनी के पास ऐसा इंसेक्टिसाइड अभी तक नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया। तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों आइसोसाइक्लोर सेरम जो कि 100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डीसी फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है। डीसी फॉर्मुलेशन के मतलब डिस्पर्सेबल कॉन्सेंट्रेट होता है और ये एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड होता है। ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड पहले से ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कंपोजिशन है, जैसे कि कुछ दिन पहले लॉन्च किया है ब्रोफेनिलाइड जो कि एक्सपोनास नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को ब्रोफेरिनिया नाम पे मिलता है। उसके अलावा जैसे कि फ्लुक्सिमेटामाइड जो कि ग्रासिया नाम पे आप लोगों को गोदरेज कंपनी का मिलता है। तो ये जो कंपोजिशन है, ये जो दवा है, ये भी ग्रुप 30 का ही है। और भी एक ग्रुप 30 का है जो कि अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं आइसोसाइक्लोर सेरम, ये भी ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो टेक्निकल है ये किस तरीके से इल्लियों के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों बता देते हैं, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो कि इसको बोला जाता है प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी, जो कि 360 डिग्री पर काम करता है। अब 360 डिग्री पर क्या काम करता है, देखिए जैसे कि कोई भी इंसेक्टिसाइड, जैसे हम लोग किसी भी फसल पर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए बार बार प्रयोग करते हैं इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या होता है, कीड़ा जो है वो रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर देता है उसके शरीर के अंदर, जिस वजह से एक ही दवा को दो बार स्प्रे करने के बाद जैसे 3-4 बार हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो दवा है इसको प्रयोग करने पर एक ही बार में ये कंट्रोल कर देता है। तो ये होता है इस टेक्नोलॉजी का काम। उसके साथ साथ 360 डिग्री के मतलब आप लोगों को बता देते हैं। 360 डिग्री मतलब चाहे कोई भी इल्ली हो, चाहे चूसों की इल्ली हो, चाहे चिबाने वाले हो या फिर खाने वाले हो, कोई भी इल्ली हो, सभी को ये कंट्रोल करता है। और इसीलिए हमने थंबनेल पर भी आप लोगों को इस तरीके से दिखाया है, सभी इल्लियों के ऊपर काम करता है इसीलिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी इल्लियों के ऊपर काम करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा एक्शन दिया गया है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। सबसे पहले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक से ज्यादा इल्लियों को एक साथ में कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके साथ साथ ये एक लार्विसाइडल एक्शन पर भी काम करता है, यानी कि ये लार्वे को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये नॉकडाउन एक्शन पर भी काम करता है, यानी कि जो इल्लियों के शरीर में लगने पर तुरंत ये इल्लियों को मारने के लिए काम करता है। उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम पर ये अटैक करके कीटों को मार देता है। तो इतने सारे एक्शन पर काम करता है दोस्तों ये जो इंसेक्टिसाइड है सिमोडियस। आप जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी इल्लियों के ऊपर काम करता है। तो देखिए इसको अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो डीबीएम यानी कि डायमंड बैकमोथ जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो कि फ्रूट एंड सूट बोरर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये थ्रिप्स और माइट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो मिर्च में थ्रिप्स और माइट लगता है, सबसे ज़्यादा मिर्च के फसल में प्रकोप होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये और भी जितने प्रकार की चिबाने वाले या फिर चूसने वाले कीट होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहे हैं, किसान भाई बहुत सारे कमेंट करते हैं कि थ्रिप्स को तो कंट्रोल करता है, क्या प्याज की थ्रिप्स को कंट्रोल करता है या फिर जो इल्ली को कंट्रोल करता है कोई अलग से फसल पर वो इल्ली कम करता है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि हमने थ्रिप्स बोले तो कोई भी फसल पर थ्रिप्स को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा तनाछेदक और फलछेदक जो बोले
वो भी किसी भी फसल पर जो तना छेदक फल छेदक लगता है उसको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि टमाटर में भी लगता है, या फिर जो बैगन में भी लगता है, या फिर भिंडियों में भी लगता है, बरबट्टी में भी लगता है, सभी फसल पर तो लगता है तना छेदक फल छेदक, तो ये सभी को कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कि किसी भी एक पार्टिकुलरली फसल पर ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसको कब कैसे और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग किसी भी फसल पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका जो डोज रखना है आप लोगों को 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ इसके साथ किसी भी दूसरे दवा को कॉम्बिनेशन मत मिलाइएगा, क्योंकि ये एक न्यू कीटनाशक है और न्यू कीटनाशक के साथ किसी भी दूसरे कॉम्बिनेशन आप लोग मत मिलाइएगा, इसको सिंगली स्प्रे कर लीजिएगा तभी शानदार रिजल्ट मिल पाएगा। अब दोस्तों सिमोडियस का पैकिंग साइज और प्राइस के ऊपर बात की जाए तो सिमोडियस का जो पैकिंग साइज होता है 80 ml का होता है, 120 ml का होता है और 240 ml का भी हो जाता है। और प्राइस की बात की जाए तो जब तक मेरे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों को प्राइस यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, फिर भी अंदाज से आप लोगों को बता दे रहे हैं इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगाई होने वाला है, सस्ते के ऊपर ये नहीं मिलने वाला है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस सिमोडियस इंसेक्टिसाइड को यूज करने पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर उसके बारे में अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।